सेंटर खोले थे उसके सामने एक बहुत दिग्गज बहुत बड़े स्टार थे। तो बहुत सारे हमारे दोस्त थे वो लोग कहते थे कि इतने बड़े स्टार के सामने आप सेंटर खोले हैं क्या चल पाएंगे आप। सब लोग बोलते थे कि यहां नहीं चलाइए। हम बोले कि डरने से कुछ नहीं होता है। फिर एक एग्जाम्पल दिए कि बड़े बुजुर्ग कहते थे गांव में कि जब तेज आंधी तूफान आता है ना, एक साथ तेज आंधी तूफान बारिश वगैरह आता है तो सब लोग डर कर छुपने के लिए घरौंधा ढूंढते, घरौंधा मतलब घर ढूंढने लगते हैं और वो जाकर छुप जाते हैं। उस टाइम पर एक अकेला पंछी है बाज, वो उस तूफान में अपना घर से बाहर निकलता है और तूफान से शर्त लगाता है कि तुम में दम है तो हमें रोक कर दिखाना, और वो सेना चीरते हुए उस तूफान का सेना चीर कर वो उस ऊंचाई पर उड़ता है जहां पर से बूंद टपकता है, और वो मुश्किल का सीना चीर कर वहां पर जाकर कहता है कि अगर तुम में उस तूफान को कहता है कि अगर तुम में दम है तो हमें गिरा कर दिखाओ। वही चीज हमने भी हिम्मत जुड़ाया और फिर हम वहां पर वो करके दिखाए जो आज तक ऑफलाइन की दुनिया में शायद गूगल पर भी सर्च करेंगे तो उतना बड़ा संस्थान एक साथ लोगों को दिखाकर पढ़ाने वाले आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। वो एक्सेप्शन के रूप में हमने करके उसे दिखाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि योग्यता आयु से नहीं होता है बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से होता है। आप उस चीज के प्रति कितना समर्पित